सो गाइज आज हम बनाने वाले हैं लौकी और चने की दाल। कई घरों में बनती होंगी। हमने ले ली है 2 मीडियम साइज़ की लौकी, ज़्यादा बड़ी नहीं ली है क्योंकि फिर उस वो पकी हुई निकल जाती है, उसमें बीज जो हैं वो बड़े बड़े रहते हैं, पके हुए बीज निकलते हैं, तो इसीलिए मैंने ये कच्ची लौकी ली है। इनका वज़न होगा कुछ 650 ग्राम। और अभी इनको हम पील ऑफ करके कट कर लेंगे और कट करके कर लेंगे वॉश। पहले इनको कट करके दिखाती हूँ मैं कैसे करूँगी, पहले इनको छील लेते हैं। तो ये हमने लौकी छील ली है अपनी, अब इसको हम कर लेंगे कट। किस पीसेस में किस तरीके से कट करूँगी वो मैं अभी आपको दिखाऊँगी कट करके। ये मैंने पील ऑफ कर लिया है, ये रहे इसके छिलके, और ये अभी इसको फटाफट से हम पीसेस में कट करते हैं। आप जिस तरीके से कट करना चाहें उस तरीके से कीजिए, मैं तो इसको बिल्कुल मीडियम साइज़ में चॉप करती हूँ। सो गाइज ये है जो हमने लौकी को चॉप कर दिया, देख सकते हैं आप अच्छे से, ये छोटे छोटे पीसेस में मैंने चॉप किया, ज़्यादा छोटे भी नहीं करने, मीडियम पीसेस रखे हुए हैं। देखिए अब इनको क्या करेंगे कि हम लोग अभी रख देंगे, इसको वॉश कर लिया है मैंने अच्छे से, पानी झड़ने के लिए मैंने ऐसे रख दिया है यहाँ पर। अब क्या किया है मैंने, ये लहसुन और प्याज को अच्छे से बारीक चॉप कर लिया है, 3 से 4 कलियाँ मैंने लहसुन की ली थी, और ये बाकी का प्याज जो है मैंने 2 प्याज लिया था, इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। अब चढ़ाते हैं फटाफट से कुकर में तेल। सो गाइज़ ये देखिए मैंने कुकर चढ़ा दिया है गैस पे, और कुकर मैंने अभी जो है फ्लेम रखा हुआ है बिल्कुल मीडियम, और अभी हम लोगों ने इसमें डाल दिया है सरसों का तेल। मैं मस्टर्ड ऑयल में ही सब्जी बनाना प्रेफर करती हूँ, आप जिस में पसंद करते हैं वो ऑयल या घी यूज़ कर सकते हैं। इधर हमने कर लिया है अपना तड़के के लिए स्टार्टिंग, जिससे होती है जिसके बिना तड़का है अधूरा। तो 1 चम्मच मैंने लिया है, 1 टीस्पून बिल्कुल मैंने लिया है ज़ीरा, और ये एवरेस्ट की हींग ली है मैंने, आप जो भी हींग यूज़ करते हैं कर सकते हैं। और ये हींग मैंने ली है, ये हम लेंगे बिल्कुल चुटकी भर हींग लेंगे। हींग से क्या होता है कि डाइजेशन अच्छा रहता है और खाने में खुशबू भी बरकरार रहती है। तो गाइस तेल को हम चेक कर लेंगे थोड़ा सा ज़ीरा डाल के, अगर ज़ीरा चटकने लग जाए तो इसका मतलब हमारा तेल हो चुका है, तो इस स्टेज पर हम अपना तेल डाल सकते हैं। ज़ीरा डाल रहे हैं हम इसमें, और ये हमने जैसा कि मैंने बताया था बिल्कुल चुटकी भर हींग डाल देंगे इसमें, ठीक है। इसे अच्छे से चटकने दें, उसके बाद डालेंगे हम इसमें कटा हुआ लहसुन और ये प्याज जो हमने रेडी करके रखा हुआ है। पहले हम डालेंगे लहसुन, गाइस मैं आपको दिखा दूं माइक्रोवेव में ये जो चना दाल पड़ी है ये मैंने गर्म पानी में सोक कर दी थी, थोड़ा सा इसको माइक्रोवेव भी कर लिया था। इससे क्या होता है कि हमें जो विसल कम लगानी पड़ती है और हमारी दाल जो है जल्दी गल जाती है, क्योंकि चना दाल गलने में समय लेती है, इसलिए आप इसे पहले ही गर्म पानी में सोक करके रख दें। तो इसे मैं बाहर निकाल करके रख देती हूँ। इसे डालने से पहले एक बार हम वॉश करेंगे, ये ऊपर झाग से जो आ गए हैं इसे वॉश करना कंपलसरी है। वैसे मैंने इसे वॉश करके ही सोक किया था, 5 से 6 बार मैंने इसको वॉश कर लिया था, फिर इसको सोक किया था और माइक्रोवेव किया था 2.5 मिनट के लिए। अब इसको दोबारा से हम एक बार वॉश कर लेंगे। इधर हम कट करते हैं हरी मिर्च और टमाटर। सो गाइज ये मैंने ले लिए हैं 3 टमाटर, जिसमें कि एक बड़ा है, एक छोटा है और एक मीडियम साइज का है, आप अपने अक॑ॉर्डिंग देख लीजिए। ये मैंने मिर्चें ली हैं 7 से 8, आप जितना तीखा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। चलिए इन्हें कर लेते हैं चॉप। देखिए मैंने कर लिया हरी मिर्च और टमाटर भी चॉप अच्छे से, इसी तरीके से इसी साइज में आपको टमाटर और हरी मिर्च चॉप करनी है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद नहीं करते तो आप हरी मिर्च वाला स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। तो इधर आइए देखते हैं हमारा तड़का कितना रेडी हुआ है, हमारी प्याज भुन। सो गाइस देखिए हमारी प्याज बिल्कुल भून के रेडी हो चुकी है। अब इसमें हम डाल देंगे टमाटर और हरी मिर्च जो हमने काटे थे वो हम डाल रहे हैं इसमें। ये हमने इसमें डाल दिया, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम करेंगे अब मीडियम, मैंने सिम किया हुआ था बिल्कुल लो। अब इसमें हम ऐड करेंगे स्पाइसेस लाइक सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, कोरिएंडर पाउडर एंड रेड चिली पाउडर। इसमें हम कुछ भी एक्स्ट्रा मसाला नहीं डालेंगे, और आप देखिएगा कितनी बढ़िया
और कितनी स्वादिष्ट बनकर रेडी होगी आपकी ये लौकी और चने की दाल। सो गाइस ये बन गया है हमारा तड़का। देखिए अभी हम इसमें डालने वाले हैं स्पाइसेस, मैंने यहीं रखी है। ये हमारा पिंक सॉल्ट, ठीक है, मैं पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे उन्हें पता होगा मैं पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ, हेल्थ के लिए अच्छा होता है और नेचुरल होता है। ये है हमारा कोरिएंडर पाउडर, ये रेड चिली पाउडर और ये टर्मरिक पाउडर। तो अब हम डालते हैं अपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, मैं आपको दिखाती रहूँगी साथ साथ। ये नमक जो है मैं इसकी मात्रा जिस हिसाब से डाल रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मत डालिएगा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, क्योंकि ये ऑर्डिनरी नमक से थोड़ा ज़्यादा डलता है। ये मैं इसमें सॉल्ट डाल दिया है लगभग 1.5 चम्मच, तो चला लेंगे। इस पर हमारा मसाला और क्विकली पकेगा। आप चाहे तो नमक सबसे स्टार्टिंग में जो आप प्याज भूनते हैं तभी डाल सकते हैं, उससे प्याज भूनने की स्पीड भी डबल हो जाती है। और आप देख रहे हैं ये धनिया पाउडर ले रही हूँ मैं 1 टीस्पून, 1/2 टीस्पून और ले लेंगे। इधर ये रेड चिली पाउडर, ये मैं डालूंगी 1.5 टीस्पून। हमारे घर में स्पाइसी खाना खाया जाता है, आप अपने अकॉर्डिंग डालिए। हल्दी मैं ले लूँगी 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा। देखिए तो सारे मसाले जो हैं हमने आपके सामने डाल दिए हैं, अब इनको हम मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से चलाते रहिए जब तक कि ये टमाटर अच्छे से मैश ना हो जाए और हमारे मसाले अच्छे से भुन के खुशबू ना देने लगे। मसाला देखिए देखने में ही कितना यमी लग रहा है। तो चलिए इसे अभी भुनने देते हैं 5 मिनट के लिए। सो गाइस देखिए मसाला हमारा अच्छे से भुन चुका है, टमाटो भी हमारे मैश हो चुके हैं, कलर देखिए कितना प्यारा आ रहा है। अब इसमें ये स्टेज पे हम डाल सकते हैं इसमें हमारी लौकी। तो ये है हमारी लौकी जो हमने कट करके वॉश करके रखी हुई थी, अब हम इसमें डाल देंगे। तो लौकी हमने इसमें डाल दी है, अब इसको अच्छे से चला लेंगे। आप चाहे तो बिना चने की दाल के इसको इसी तरीके से बना सकते हैं। इसमें डालिए सिर्फ हल्का सा पानी, ज़्यादा पानी मत डालिएगा, क्योंकि पानी लौकी के अंदर भी होता है, पकने पे लौकी भी पानी छोड़ती है। आपको अगर चने की दाल पसंद नहीं है, आप चने की दाल डालकर नहीं बनाना चाहते हैं, तो इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए बहुत ही टेस्टी, सुपर टेस्टी लगेगी इस तरीके से भी। बट मुझे चने की दाल के साथ पसंद है, तो मैं तो इसमें चने की दाल ऐड करने वाली हूँ। तो ये मैंने लौकी अच्छे से डाल के मिक्स कर दी है। अब स्टेज में, अब इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें दाल। सो गाइस आप देख सकते हैं दाल मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी, ठीक है, और अब हम इसमें डालेंगे इस दाल को जो गर्म पानी में ऑलरेडी सोक हो रखी थी और 2.5 मिनट पे मैंने माइक्रोवेव भी की हुई थी। इसमें डालेंगे हम हल्का सा पानी, बस इतना कि जिसमें कि ये दाल और लौकी हमारी अच्छे से पक जाए, विसल आ जाए, सिर्फ उतना। ऑलवेज रिमेंबर कि लौकी भी पानी छोड़ती है, लौकी में भी पानी होता है। लौकी हेल्थ के लिए अच्छी होती है, तो खानी भी चाहिए और बच्चों को भी खिलानी चाहिए। अगर इस तरीके से आप रेसिपी ट्राई करेंगे तो आई होप आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। जो जो मेरी रेसिपी ट्राई करेंगे एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी बनी है। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। सो गाइज मैंने इसी बाउल में थोड़ा सा पानी ले लिया था, ये पानी है 1 ग्लास से कुछ कम। बस अब इसको हम चलाएंगे थोड़ा सा और लिड लगाकर बंद कर देंगे और वेट करेंगे 4 से 5 विसल आने का। अपने अपनी कुकर के अकॉर्डिंग आप विसल लगवा सकते हैं, मेरे कुकर में 4 से 5 विसल आएंगी। तो चलिए इसको लिड लगाकर बंद कर देते हैं और वेट करते हैं 5 विसल का। तो गाइस लिड लगा दी थी, विसल आनी स्टार्ट हो गई है, अब हमें वेट करना है 4 से 5 विसल का। अब मैं क्या कर दूँगी, मैं कर दूँगी गैस को सिम
बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे। उससे क्या होगा, हमारी सब्जी जल्दी बनेगी और अच्छे से गल जाएगी और गैस भी कम लगेगा। तो चलिए मिलते हैं इसको फटाफट से जब ये बन जाएगी उसके बाद। इतना हम कर लेते हैं कोरिएंडर चॉप, मतलब कि ग्रीन कोरिएंडर, हरा धनिया चॉप। तो गाइस देखिए मैंने काट लिया है हरा धनिया, ये देसी धनिया था। और मैं आपको बताऊं, अभी मैं ये धनिया काट रही थी तो इतनी अच्छी खुशबू आई, बिल्कुल देसी धनिया है कि बस क्या ही बताऊं। आजकल मार्केट में बहुत साफ सुथरा देसी धनिया आया हुआ है, तो मैं तो सब्जी में क्वांटिटी में भर भर के डालती हूँ क्योंकि इसके बिना मुझे सब्जी अधूरी लगती है। और इधर आप देख रहे हैं लो मीडियम फ्लेम सब्जी। देखो ये हमारी हो चुकी है सब्जी बनके लौकी की बिल्कुल रेडी। और ये देखिए लौकी और चने की दाल की सब्जी हमारी बनी है बेहतरीन बिल्कुल। आप देख सकते हैं घर में सभी बहुत पसंद करके खाएंगे इसे। एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा अपने घर पे, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी, और जिसने ट्राई की है घर में बनाई है उन्हें कैसी लगी। सो चलिए ठीक है, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जिसने नहीं किया सब्सक्राइब प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।